आज ओंकार सतकड़े बोल रहा हूँ। आप कौन? नमस्ते आंटी। आओ, अंदर आओ। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके। ये सुपरिंटेंडेंट साहिबा को दे देना और ये आरएमओ साहब। सतकरी को 22 साल की आदत थी। उनकी पत्नी प्रतिभा अपनी मुस्कुराहट के साथ उनके लिए दरवाजा खोलती, लेकिन 5 जनवरी 2015 की उस ठंडी शाम को ऐसा नहीं हुआ। प्रतिभा, प्रतिभा, घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता? इनका कोई बेटा है बेटी? हाँ, एक बेटा है विनोद, जो गाजियाबाद में रहता है। बेटी कोई नहीं है। घर के पीछे दो कमरे हैं, एक खाली है और एक किराए पे दिया हुआ है। कौन रहता है वहाँ? दो लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, एक का नाम मयंक है और एक का सुहेल। यहाँ मयंक और सुहेल रहते हैं और ये दूसरा कमरा। चेक करो।
सरकार जी, आपने अपने बेटे विनोद को इन्फॉर्म कर दिया? क्या पापा, क्या बोल रहे हैं? हम अभी निकल रहे हैं। क्या हुआ? पापा कह रहे हैं मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी को? मम्मी का मर्डर हो गया प्रीति। इनकी मौत गला घोटने से हुई है। टाइम ऑफ डेथ? यहाँ आने से लगभग 5 घंटे पहले। मतलब तकरीबन 1:30 बजे? जी हाँ, लगभग 1:30 बजे के आसपास। और एक बार इनके साथ। जी हाँ सर, जो दो किराएदार हैं मयंक सिंह और सुहेल कुरैशी, दोनों के लिए सर्च शुरू कर दिया गया। और दोनों के फोन नंबर्स? सर मयंक का फोन स्विच ऑफ जा रहा है और सुहेल की रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। मेरा इन दोनों किराएदारों से बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्राइम सीन को देखकर लगता है कि एक से ज्यादा लोगों का काम है। सर ओमकार सतकरी के डाइनिंग टेबल पे 2 ग्लासेस मिले। सर दोनों ग्लासेस को फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। ओमकार सतकरी कुछ बोलने की हालत में आएंगे तो हमें मयंक सिंह और सुहेल कुरैशी के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाएगी, और ये भी पता चल पाएगा घर से क्या क्या चोरी हुई। लॉकर्स को पूरी तरह साफ कर दिया गया सर। लेट्स होप कि ओमकार सतकरी हमसे जल्द से जल्द डिटेल शेयर करें, वरना पता नहीं तब तक ये दोनों कहाँ फरार हो जाएंगे। पुलिस क्यों आई है? पता नहीं यार, वो होगा कुछ। सर सुहेल कुरैशी। सुहेल? आप कौन बोल रहे हैं? सुहेल 4-5 बार फोन किया तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई कॉलेज में था। आप कौन बोल रहे हैं? मनेर नगर पुलिस थाने से PSI मेहरा बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? और तुम्हारा वो रूममेट मयंक सिंह, वो कहाँ है? सर हम अभी अभी घर पे पहुँचे। किसके घर? हमारे घर सर, हम यहाँ मनेर नगर में किराए पे रहते हैं, ओमकार सतकरी जी की कोठी पे। सर पर बात क्या है? सोहेल, प्रतिभा आंटी का मर्डर हो गया। पुलिस का फोन था, पूछ रहे थे सुबह से हम दोनों कहाँ थे। तेरे बारे में भी पूछ रहे थे, सुबह से तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों है? मैंने बोल दिया तेरी बैटरी खत्म हो गई थी। क्राइम सीन पर मिले सुराग मर्डर और चोरी के केस में 2 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस को ओमकार सतकरी के किराएदार मयंक सिंह और सुहेल कुरैशी पर शक था, लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि उस दोपहर ओमकार सतकरी की कोठी पर 2 और आदमी आए थे। सर मेरे फोन की बैटरी वाकई खत्म हो गई थी, इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। सर हम यहाँ 1 साल से रहते हैं। सुहेल, मयंक, तुम लोगों का कहना है कि कल दोपहर को यहाँ पर 2 लोग आए थे, हाँ? कौन थे वो 2 लोग? सर वो लोग कौन थे ये तो हमें नहीं मालूम। नमस्ते आंटी। ओमकार जी के घर में जब वो 2 लोग आए थे उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? यहीं थे सर। इसी कमरे में? जी। तो ओमकार जी के घर में बाहर वाले गेट से कौन आया ये तुम लोगों ने इस कमरे से कैसे देख लिया? सर आंटी उन्हें यहाँ कंपाउंड में लेकर आई थी वो बाहर वाला कमरा दिखाने के लिए। इस कमरे में 2 और कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, पिछले 1 साल से वो दोनों हमारे साथ ही रह रहे हैं। ये आ गया तुम्हारा कमरा। इस कमरे का टॉयलेट और बाथरूम कमरे के साथ ही जुड़ा हुआ है, तुम चाहो तो खाना और नाश्ता हमारे साथ ही कर सकते हो, वो दोनों बच्चे हमारे साथ ही खाते हैं। ये कमरा 1 साल से खाली पड़ा हुआ है? जी सर।
वो दो लोग कौन थे? तुम लोगों ने चेहरा देखा था? नहीं सर, हम लोग तो रूम के अंदर थे ना सर। पर ओमकार अंकल और आंटी जी ने हमें कहा था कि अगर और कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो तो हमें बताना। हाँ सर, और ये बात हमने कॉलेज में बोल के भी रखी थी। कॉलेज के लिए कितने बजे निकले तुम लोग? सर रोज की तरह 1 बजे। जिस वक्त तुम लोग कॉलेज के लिए निकले उस वक्त वो दोनों ओमकार जी के घर पे थे? अब सर आंटी जी ने अंदर लेकर तो गई थी, लेकिन हमारे आने जाने का रास्ता ये है और हमारी बाइक आगे खड़ी रहती है। अगर वो घर के अंदर है भी तो हमें मालूम नहीं पड़ता। हम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों सर, हमने क्या किया है सर? प्रतिभा सतकरी के अलावा उन दोनों को सिर्फ तुम दोनों ने देखा था, इसलिए जो भी देखा जितना देखा पुलिस स्टेशन आकर खुलिया बयान करना होगा। सर हमने कहा ना, हमने उन्हें ठीक से देखा ही नहीं। हाँ सर, हम तो अंदर पढ़ाई कर रहे थे। मयंक और सुहेल, एक बात कान खुलकर सुन लो, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम लोगों ने हमसे कुछ छुपाया या तुम दोनों की इसमें किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट थी तो तुम दोनों को उल्टा लटका कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूँ। पापा बात करने की हालत में कैसे होंगे सर? मम्मी और पापा काफी क्लोज थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, और अब ये। मैं समझ सकता हूँ विनोद, लेकिन हमें अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाना, इसलिए आप लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है प्लीज बताइए, क्योंकि आपकी मम्मी का ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि उनके साथ। मयंक और सुहेल ने हमें बताया है कि कोई आपके घर में किराए के लिए कमरा देखने आने वाला था, आपकी मम्मी ने उसे कमरा दिखाया होगा, उसके बाद शायद वो लोग इस घर में आए होंगे और ये सब हुआ होगा। अब मयंक और सुहेल कितना झूठ बोल रहे हैं कितना सच ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि आपकी मम्मी के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। प्लीज याद कीजिए, उस दिन कोई आपसे मिलने आने वाला था, कोई कमरा देखने आने वाला हो, किसी का फोन वोन आया था उस दिन, प्लीज याद कीजिए। सर मैं तो गाजियाबाद रहता हूं, प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। किसको किराए पे रखना है किसको नहीं रखना ये सब पापा ही तय करते हैं, और कभी भी कोई किराएदार मुझे फोन नहीं किया करता था। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर पापा जी बता रहे थे 10 लाख रुपए कैश रखे हुए थे तिजोरी में, और मुझे पता था सर मम्मी जी सारे जेवर तिजोरी में ही रखती थी। जेवर तकरीबन कितने के थे? कम से कम नहीं तो 7-8 लाख रुपए के जेवर होंगे सर। ओमकार जी से जल्द बात करनी है, जैसे ही वो बात करने की हालत में आए प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए। सर मयंक और सुहेल के पीछे 2 कांस्टेबल्स लगा दिए। सुहेल और मयंक के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, और साथ में ओमकार, विनोद उसकी पत्नी प्रीति और विक्टिम प्रतिभा के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवा। सर और एक बात, घर के अंदर 10 लाख कैश थे और ये बात शायद चोर को पता थी। मेहरा या तो ये जुर्म चोरी करने के इरादे से हुआ है या फिर असली जुर्म को छुपाने के लिए चोरी की गई है, वजह जो भी हो लेकिन इस केस में एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई, एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ रेप। अभी तक हमें वही दिख रहा है जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें देखना वो है जो हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। सर आपको लगता है किसी अंदर वाले का हाथ है? मेरा कोई अंदर वाला तभी जुर्म करता है जब वो खुद को बाहर वाला समझने लगता है। कोई ऐसा क्यों करेगा या करवाएगा पापा, सिर्फ चोरियां मर्डर नहीं
उन्होंने प्रतिभा आंटी के साथ ऐसा गंदा काम? पता नहीं बेटा, भाई ओमकार को जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं होगा उसने कि ऐसा भी कुछ होगा। पापा मैं तो अंकल आंटी से आजकल में मिलने जाने वाला था, लेकिन फिर जब आपका फोन आया तो मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। वैसे विनोद भैया ने कुछ बोला? बस इतना ही कि कोई दो लोग कमरा देखने आए थे, पता नहीं कौन थे वे दोनों। नहीं पापा, हमें नहीं पता कौन थे वो दोनों। हम तो आज सुबह ही गाजियाबाद से यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस को यहाँ पे रहने वाले दो किराएदारों पर शक हो रहा है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों आज ही जोधपुर आ रहे हैं। अब तुम्हारे ससुर से मिलना एक बार तो बनता ही है ना बेटा, इतना सब हो गया। आप आएंगे तो अच्छा ही होगा। वैसे भी मेरे पापा जी की हालत बहुत खराब है। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है पापा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। और शरद, शरद कहाँ है? वो भी आ रहा है ना आपके साथ? शरद नहीं आ रहा है। संभाल के जाना। एक बहुत ही सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया था। प्रतिभा सतकरी के कातिल उस घर से लूट का पैसा और जेवर लिए अपने प्लान की अगली चाल चलने जा रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये दोनों ही इस जुर्म के मेन कर्ता धरता थे या फिर ये सिर्फ मोहरे थे किसी मास्टरमाइंड के। पीड़ित प्रतिभा सतकरी के अलावा इन दोनों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन क्या कोई ऐसा था जिसे भनक थी कि ये दोनों दरअसल हैं कौन? चाय देना। हाँ जल्दी कर। जल्दी बता क्या क्या पता चला? वो दोनों छोड़े हैं ना, सोहेल और मैं और वो सबका ही परिवार, सबके पूरी डिटेल निकालो। सर विनोद और प्रीति के फोन रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं और मयंक और सुहेल के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ नहीं है। तो क्या ओमकार और विक्टिम प्रतिभा के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खाला है? प्रतिभा जी के तो नहीं, हाँ ओमकार के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर है। कौन सा नंबर? सर 4 जनवरी को ओमकार के फोन पर एक कॉल आया था। उस नंबर से ओमकार को ना पहले कभी कॉल किया गया है और ना ही उसके बाद। हेलो, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, किसी मार्केटिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से किया गया हो सकता है सर। लेकिन आज सुबह से 4 बारी ट्राई कर चुका और हर बार ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। मार्क करके रखो और ट्राई करते रहो। इस सोहेल और मयंक की कोई खबर? सर गोविंद खबरी और उसका असिस्टेंट तोमर दोनों ने अच्छी खासी छानबीन की। साहब दोनों चोरे अपने अलवर गए, ना वहाँ को मिर्च मसाला मिला दोनों का और नया जोधपुर में। ओमकार का बेटा विनोद, इसकी क्या हिस्ट्री है? वो तो एक लौता है साहब, काफी गरीब था अपने माँ बाप से, बस समझ लो कि वो भी एकदम दूध का धुला है। सभी दूध के धुले हैं गोविंद, तो खून का रंगा कौन है? प्रीति? उस एंगल में खुदाई चल रही है साहब। इतना पता चला है कि शादी के 2 साल बाद तक विनोद और प्रीति यहीं इसी घर में रहते थे। उसके बाद वो दोनों गाजियाबाद चले गए, विनोद को नौकरी लगी थी वहां पर। और डिटेल्स निकलवाओ। एक काम करो, अपनी टीम में से किसी लड़की को मनेरनगर की औरतों में मिक्स कर दो। एक और बात साहब, इस ओमकार का भाई है लक्ष्मण सतकरी, उसका बेटा है अभय, रहते हैं बाड़मेर में, लेकिन 5 जनवरी को अभय यहाँ जोधपुर आया था। क्यों? कोई बैंक का एग्जाम देने। ये जोधपुर में कहाँ रुका था? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ ओमकार सतकरी के घर में नहीं रुका था। तो ये अभय इस वक्त कहाँ? जोधपुर में ही है सर, कल ओमकार के घर भी आया था। सब खत्म हो गया भाई साहब। विनोद भी
भैया, ये जो दो किराएदार हैं आपके, पुलिस ने इनकी चेकिंग की ठीक से? हाँ भाई, देखने में तो शरीफ लड़के लगते हैं, लेकिन किसी की शक्ल पे क्या है और अकल पे क्या, कौन जान सकता है। सही बात है, आज के टाइम में किसी पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते ना। जुर्म होने के बाद मिलने आया, लेकिन जोधपुर में एग्जाम देने आया था तो अपने अंकल के घर क्यों नहीं ठहरा? ये तो उससे पूछना है। सर और एक बात। क्या? 2 जनवरी को अभय ने ओमकार को फोन किया बाड़मेर से, जहां वो और लक्ष्मण रहते हैं, लेकिन जब वो जोधपुर आया एग्जाम के लिए तो उसने कोई कॉल नहीं किया। और हो सकता है कि 5 जनवरी की दोपहर को वो उनसे बिना फोन किए मिलने आए अपने किसी साथी के साथ। हाँ, मैंने फोन किया था ओमकार अंकल को बाड़मेर से। किस सिलसिले में? यही बताने के लिए कि मैं जोधपुर आ रहा हूँ, मेरा बैंक का एग्जाम है। आपने ये फोन 2 जनवरी को किया था? हाँ शायद, पर डेट याद नहीं है ठीक से। पर हमें याद है, फोन रिकॉर्ड्स हैं आपके हमारे पास। पहला घूम कर अंकल, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो और लक्ष्मण भाई कैसे हैं? वो अच्छे अंकल, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं 5 जनवरी को जोधपुर आ रहा हूँ, 7 तारीख को मेरा बैंक का एग्जाम। अरे वाह, जरूर आना बेटा, और बस स्टैंड से सीधा हमारे घर ही आना, कहीं और नहीं जाना, ठीक है? आंटी को भी अच्छा लगेगा। तो 5 जनवरी को दोपहर को जोधपुर पहुंचने के बाद आप सीधे अपने अंकल ओमकार के घर गए? नहीं सर, मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। कौन दोस्त? विश्वास शर्मा, वो मेरा फ्रेंड है, यही रहता है जोधपुर में। तो जोधपुर में जब आप अपने दोस्त के घर जाने वाले थे तो आपने अपने अंकल को फोन करके ये क्यों बताया कि आप जोधपुर आने वाले? नहीं सर, मैंने उन्हें ये कहने के लिए फोन नहीं किया था कि मैं उनके घर रहने आ रहा हूँ, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि वो दोनों जोधपुर में थे या कहीं बाहर जाने का प्लान था, ताकि टाइम निकाल कर मैं उनसे एक बार मिलाऊं बस। और 5 जनवरी की दोपहर को आप टाइम निकाल कर अपने दोस्त के साथ उनसे मिलने गए? नहीं सर, मैं उस दिन विश्वास के घर पर ही था। विश्वास का नंबर लिखो। सर मैं श्योर नहीं हूँ। सर ठीक से ध्यान नहीं दिया था हम। यस सर, मैं विश्वास शर्मा बोल रहा हूँ। अभय सतकरी को कैसे जानते हो? मेरा फ्रेंड है वो सर। 5 जनवरी को तुम और अभय कहाँ थे? 5 जनवरी को तो हम लोग यहीं थे, मतलब मेरे घर पे। क्या कर रहे थे पूरा दिन घर? एक्चुअली 7th को ना हमारे एक बैंक का एग्जाम था, तो उसी की तैयारी। अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना विश्वास। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, जो सच है वही बता रहा हूँ। ग्लासेस पर 2 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये मेल फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर आप चाहें तो हम सारे सस्पेक्ट्स के साथ ये मैच कर सकते हैं। प्लीज तुरंत कीजिए, क्योंकि लगभग इतना तो पक्का है कि 2 लोग थे। दूसरा, हो गया सर, हम लोग ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी ठंड में पसीने क्यों आ रहे? आप ये सब करा रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। मुजरिम तक पहुंचने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कब कहो तुम्हारी आंटी नहीं थी? मां समान थी मेरी सर, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अबे सारे प्रोसीजर को पर्सनली मत लो, तुम्हारी मां समान आंटी के गुनहगारों को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है।
ज्वेलरी की दुकानों से क्या रिपोर्ट है? सर खबरी लगे हुए लेकिन अभी तक कोई नहीं किया। खेल बहुत संभल के खेला जा रहा है भांगरा। मुजरिम इस गलत फहमी में है कि टाइम लेने से शायद वो बच जाए। सर उनके टाइम में काउंट डाउन कल शुरू हो जाएगा, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओमकर सतकरी को अब तो बोलने की हालत में आना चाहिए, वक्त निकला जा रहा है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सर ओमकर को कल सुबह यहीं बुलाते हैं। हम यहीं सही रहे क्योंकि घर में पूछताछ करने जाएंगे तो उस दुख भरे माहौल में फिर से मायूस हो जाएंगे। सर क्या पता घर में मायूसी का माहौल पहले से ही हो। मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, आज रात की ट्रेन से जा रहा हूं। प्रीति यही आपके पास ही रहेगी, हॉस्पिटल में बात हुई थी मेरी, मैंने उनको कह दिया था कि आप एक हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, वो लोग मान गए। और पापा वो पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था, कह रहे हैं कि वो आपको पुलिस स्टेशन में बुलाकर कुछ पूछताछ करना चाहते। इंस्पेक्टर कोई भी लिए गए फिंगरप्रिंट्स ग्लास के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते, ना अभय, ना विश्वास, ना मयंक और ना सोहेल। तो अभी के लिए हमें इन चार सस्पेक्ट्स को रूल आउट करना होगा। थैंक यू मेहरा। मयंक और सोहेल ने हमें जो थ्योरी बताई कि उन्होंने प्रतिभा जी के साथ दो लोगों को देखा था, पर वो दो लोग कौन थे ये वो ठीक से नहीं देख पाए। अभी के लिए यही थ्योरी हमारी प्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्योरी होगी। मतलब वो दो लोग जो ओमकार और प्रतिभा के किराएदार बनने आए थे उन्होंने प्रतिभा का खून किया। अब ये तो ओमकार सतकरी हमें बता पाएंगे कि 5 जनवरी को उनके घर पे कौन से किराएदार आने वाले थे। एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बाद हत्या और उसके बाद घर को भी लूटा गया था। कौन थे हत्यारे? क्या इस जुर्म का मकसद सिर्फ पैसे और जेवर लूटना था या फिर इस केस की गहराई में कोई छुपी हुई सतह थी? आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला और ये किसी खबरी या किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बल्कि एक भूले बिसरे फोन कॉल याद आने के कारण हुआ। नहीं याद आ रहा है, मतलब कुछ खास याद नहीं आ रहा है। वो किराएदार कुछ पता नहीं। सर इसमें एक बात अजीब है, वो जो भी थे उन्होंने पहले पापा जी को फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया कि वो रूम देखने आ रहे हैं। नॉर्मली जो भी घर आता है पहले पापा जी को इन्फॉर्म कर देते हैं। हमें भी यही लग रहा है कि वो जो भी थे पहचान वाले थे, इसलिए प्रतिभा जी ने ना सिर्फ उन्हें बाहर वाला कमरा दिखाया बल्कि घर के अंदर बुलाकर उन्हें पानी वानी पिलाया। किसी ने देखा था उन्हें? जी देखा था लेकिन ठीक से नहीं देख पाए। आपके मौजूदा किराएदार मयंक और सुहेल का कहना है कि उन्होंने प्रतिभा जी को 1:45 के करीब दो लोगों के साथ आपके घर के कंपाउंड में देखा था, उसके बाद 1 बजे वो लोग कॉलेज के लिए निकल गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिभा जी का कत्ल 1:30 बजे के करीब हुआ था, तो शायद 1 से 1:30 के बीच में ये दोनों लोग आपके घर के अंदर मौजूद थे। और सब ठीक है ना घर पे? एक फोन आया था। किसका फोन आया था पापा जी? हेलो जी, आप ओमकार सतकरी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी ओमकार सतकरी बोल रहा हूँ, आप कौन? तुषार नाम था उसका। कब की बात है ये? कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर की बात है। मेरा नाम तुषार है ओमकार जी, हमने सुना है आपको कोई कमरा किराए पर देना है, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ कभी भी देख सकते हो, कब आओगे देखने? वो मैं आपको आजकल में फोन करके बता दूंगा। ठीक है ठीक है। ओमकार जी आप किसी तुषार को जानते हैं? नहीं जानता हूँ लेकिन पता नहीं उसे कहां से मेरा नंबर मिल गया। जाहिर सी बात है किसी जान पहचान वाले ने पहले उस तुषार को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप कमरा किराए पर देना चाहते हैं, फिर उसी जान पहचान वाले ने उस तुषार को आपका नंबर दिया होगा।
मैं और प्रति मैं और प्रतिभा कमरा किराए पर लगाना चाहते थे, खाली नहीं छोड़ना चाहते थे उसे। अंकल जी, ये फोन आपको जनवरी में आया था, ये पक्की तरह याद है? हाँ, 5 जनवरी के पहले। हाँ, क्योंकि 5 जनवरी के बाद मैं ऑफिस गया ही नहीं। ओमकार जी, ये देखिए, 1 से 5 जनवरी के बीच आपको जितने भी कॉल्स आए थे उसमें से सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है जिससे आपको सिर्फ एक ही बार कॉल आया था। ये नंबर हम कई बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। किसका नंबर है? वो भी हम पता लगाएंगे। वैसे 1 से 5 जनवरी के बीच आपको जितने भी कॉल्स आए थे उसमें से कोई तुषार नहीं है। हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, किसी मार्केटिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से किया गया। मुझे यह नंबर याद नहीं है लेकिन इतना याद है मैं ऑफिस में था। ओमकार जी, ये कॉल आपको 4 जनवरी को आया था लगभग 4:45 बजे। फिर तो पक्का मैं ऑफिस में ही था। इस नंबर को ट्रैकिंग पे डालो, शायद यही नंबर हमारा पहला लीड होगा। यस सर। सर, क्या अब हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी। प्रीति जी। जी। एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी। प्रीति जी, आपकी सास कैसी औरत थी? कैसा सवाल है ये सर? मेरा मतलब है कोई ऐसा था जो उन्हें नापसंद करता था? मेरी सास एक बहुत नेक औरत थी, थोड़ी उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा उनका। पर अब ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि हमें लगता है चोरी सिर्फ एक बहाना था, चोर का असली मकसद मर्डर ही था। मर्डर? लेकिन मर्डर कोई क्यों करेगा? चोरी और मर्डर के अलावा मेरी प्रतिभा के साथ? ओमकार जी, शांत हो जाइए। ये सब पूछने के पीछे मेरा सिर्फ ये मकसद है कि क्या कोई ऐसा पहलू तो नहीं जिससे हम नावाकिफ हों, पर आप जानते हो और भूल गए, जैसे तुषार के फोन कॉल वाली बात। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, 4445678775 ये नंबर 4 जनवरी से स्विच ऑफ है। किसका नंबर है? किसी हरीश पकवाना के नाम पर रजिस्टर्ड है, जोधपुर का एड्रेस है। किराए पे लेना चाहते हो? की बात कर रहे हो सर, हमारा तो खुद का घर है ये। हमारे पास इससे भी अच्छा और बड़ा घर है हरीश मकवाना जी, सॉरी तुषार जी, जिसे हम लॉकअप कहते हैं। सर,
साहब। बैठिए बैठिए हरीश मकवाना और तुषार जी, ये है हमारा बड़ा घर, स्वागत है आपका। साहब वो नंबर पे रही था साहब, मैं किसी ओंकार सतकरी को फोन ही नहीं किया साहब, मैं किसी तुषार को भी नहीं जानता साहब, वो नंबर मेरे टैक्सी के लिए इस्तेमाल करता था साहब, मेरा स्टिकर भी था साहब उसमें। बिल्कुल था, जो तुमने उखाड़ कर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा स्टिकर लगा दिया, और 4 जनवरी को ओंकार सतकरी को फोन करने के बाद तुमने अपना फोन भी बंद कर दिया। हाँ साहब, मैंने फोन बंद करा दिया था साहब, स्टिकर भी निकाल दिया था, सच बोल रहा हूँ साहब, सौगंध खा रहा हूँ साहब। आधा सच पूरा सच बोल। कौन सा पूरा सच साहब, मैं सही बोल रहा हूँ साहब। 10 लाख कैश और वो ज्वेलरी जो प्रतिभा सतकारी का खून करने के बाद तुमने उनके घर से चुराई। हाँ नहीं नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, प्रतिभा सतकारी को तो मैं जानता भी नहीं साहब, साहब मैं सही बात हूँ साहब। तेरी शराफत का सर्टिफिकेट तो हमें प्रतिभा सतकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मिल गया था। तुमने ना सिर्फ उनका कत्ल किया, ना सिर्फ उनके घर में चोरी की, मैंने किसी साहब, मैं तो प्रतिभा सतकारी को जानता भी नहीं साहब। और हमारा दूसरा साथी कौन था, नंबर बोलो उसका, कहाँ रहता वो? कोई नहीं साहब, मेरा कोई साथीदार ही नहीं है साहब। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो 4 जनवरी को मोबाइल कंपनी में फोन करके तुमने अपना फोन बंद क्यों करवाया? साहब मैं डर गया था साहब कि उन दोनों ने मेरे फोन का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। इस वक्त गलत इस्तेमाल तू कर रहा, अपनी बुद्धि का, हमें ये झूठी कहानियां सुना कर। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब, जो हुआ वही बोल रहा हूँ साहब, एकदम सच बोल रहा हूँ, वो लोग तो मेरी टैक्सी चुराने वाले थे साहब। टैक्सी और मेरा मोबाइल वापस मिल गया था सर, मैंने तुरंत ना अपना नंबर कैंसिल करा दिया सर, मैं डर गया था कि मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने कहीं गलत फ़ोन किए होंगे सर। कौन थे वो दोनों, कौन थे वो चोर? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं जानता ही नहीं, मैंने तो उनको घंटा घर से उठाया था साहब। तो तेरी कहानी में घंटा घर भी है, फिर तो घंटे की आवाज़ भी होगी जो तुमने सुनी होगी, टन टन। कितने बजे थे उस वक्त? चलने के लिए तो गाड़ी चलाते हैं बैठे साहब, वो दो लोग मैं तो सर पूरी ईमानदारी से उन दोनों को कायलाना झील ले जा रहा था साहब, रास्ते में पहुंचने से पहले उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया साहब। पर तू अपना असली रंग कब दिखाएगा, सच कब बोलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उन दोनों ने मेरे पूरे पैसे लूट लिए साहब, मेरा तो मनुष्य दिन था साहब जो उन दोनों को मैंने टैक्सी में बैठाया, और अब देखिए साहब मैं यहाँ बैठा। तेरा नसीब अच्छा है जो अभी तक बैठा हुआ, वरना ये जो बल्ब लटका हुआ ना, इसकी जगह तू लटका होता। डोंट वरी, इस बड़े घर में लाए हैं तो तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे, पहले अपनी कहानी पूरी करो फिर। कहानी टैक्सी ड्राइवर हरीश मकवाना पुलिस को सुना रहा था, क्या वो सिर्फ कहानी थी या फिर हकीकत? वो दो लोग कौन थे जिन्होंने हरीश की टैक्सी ली थी? क्या उनका ओमकार सतकरी और प्रतिभा सतकरी से कोई लेना देना था? क्या ये केस वाकई में सिर्फ चोरी मर्डर और केस था, या फिर इस केस का कोई चौंकाने वाला पहलू भी था? कहां हो तुम शरद? मैं यहीं हूं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कुछ पता चला अभी तक? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। हरीश जिन दो लड़कों की बात कर रहा था उनमें से एक शरद कपाड़िया था, जो कि पीड़ित प्रतिभा सतकरी की बहू प्रीति का भाई था। सच क्या था और झूठ क्या था,
ये बहुत जल्द पता चलने वाला था। इस भयंकर केस का असली मकसद रोशनी में आने जा रहा था, पर उससे पहले हरीश मकवाना की कहानी सुनते हैं। तुमने टैक्सी क्यों रोकी? वो मुझे पेशाब लगी थी जोर से साहब। अरे भाई साहब, 2 मिनट रुक सकते हैं क्या? क्यों? पेशाब आ रहा है बहुत तेज, 2 मिनट लगेगा बस। ठीक है, देखो किधर साइड में होता है। तो साहब मुझे वहां पे 2 मिनट ज्यादा लग गई साहब। इस बीच उन दोनों में से किसी ने मेरे मोबाइल पे फोन कर दिया साहब। ओ भाया, स्लो मोशन में पेशाब कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बस आ गया। अरे आ गया, बस हाथ धो रहा हूँ, हाथ धो के आ रहा हूँ, बस हो गया समझ लो। तुम्हारे कौन से नंबर पे फोन किया था उन लोगों ने? उसी नंबर पे जो मेरी टैक्सी पे लिखा हुआ था साहब, जिसको मैंने बंद करवाया, 444-56-78-75 पे साहब। शायद उन्होंने उसी को देख के फोन किया होगा साहब। फिर साहब मैं बाहर आया, टैक्सी स्टार्ट की और चल दिया साहब। हम लोग झील पे पहुंचने ही वाले थे कि उसके बीच में अचानक फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट। मेहरा, आई डोंट ट्रस्ट हिम, बट इंटरेस्टिंग। हाँ चलो गाड़ी साइड ले चल। तेरी मौत, रुका चल, अपना बटुआ निकाल और बगल में रख। ज्यादा पैसे नहीं है, चल बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, समझा? चल रख, फोन भी रख अपना, निकल चल, निकल बाहर, निकल यहां से दूर भाग, समझा? और यहां पर आना तो आके गला काट दूंगा, निकल यहां से, वापस आके हल्ला मचाए तो काट दूंगा, निकल। करूं कि नहीं करूं, मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर पा रहा था साहब। मेरा मोबाइल ले गए थे वो दोनों, उसके बाद मैं चलने लगा साहब, उन दोनों को गाली देते देते चलने लगा साहब। 1-2 किलोमीटर चला होगा तो लगा शायद उन दोनों ने मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल किया होगा, इसलिए मैंने तुरंत वो नंबर बंद करवाया था और स्टिकर भी निकाल के फेंक दिया। सबूत मिटाने से जुर्म नहीं मिटता हरीश मकवाना। मेरा एक ही जुर्म है साहब कि मैं डर गया था और आपके पास शिकायत लेके नहीं आया। मेरी मजबूरी थी साहब, अगर मैं आपके पास आता तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता साहब। अगर उस दिन आते तो तुम्हारा एक दिन बर्बाद होता, लेकिन अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरी कहानी के इन दोनों चोरों को तो हम ढूंढ ही लेंगे। जब तक हम इन चोरों को ढूंढ नहीं लेते तब तक आप यहां आराम से रहिए, सरकारी मेहमान बनकर। हरीश जब टॉयलेट में था तब उन दोनों में से किसी एक ने हरीश को फोन किया था। जी सर, हरीश के नंबर 444-567-875 पर। एक काम करो, हरीश का नंबर स्कैन करो, पता करो कि 3:15 के करीब उसे किस नंबर से फोन आया था, एक्चुअली उसे कोई फोन आया भी था या नहीं। सर, पापा जी खाना तैयार है, परोस दूं? बेटा वो प्रीति की सास थी, हमारी संगत, तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही सही, प्रीति के ससुराल जाना चाहिए। पापा मैंने कहा ना मैं बिजी था इसलिए नहीं जा पाया। वैसे तू बताएगा कि तू कहां और किस काम से गया था? बेटा हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां नहीं तलाशा, तेरे हर दोस्त से पूछा। क्यों पूछा?
यार बता के तो गया था 4 दिन के लिए, चारों लौट आऊंगा जल्दी। लेकिन तू गया कहाँ था? कोटा गया था अम्मा, क्लास के काम से। आप लोग तो मतलब एकदम पुलिस वालों जैसे पूछताछ कर रहे हो। नहीं बेटा, सिर्फ पूछ रहे हैं। वो तुम्हारा दोस्त है ना राजन, क्या हुआ उसे? अब उसने क्या कहा? उसने तुम्हें देखा था अभिषेक के साथ घूमते हुए। देखो बेटा, आसपास के लोगों में तुम्हारा अच्छा नाम, लोग तुम्हारी मेहनत और लगन की मिसाल देंगे। ये अभिषेक के साथ घूमना अच्छा नहीं है बेटा। पापा मैंने कहा ना, मैं कोटा ही गया था। अब रख भी दे उसे, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ दीदी, बस एक मिनट। बड़ा बिजी रहता है आजकल। अरे नहीं दीदी, वो बस नौकरी की तलाश चल रही है ना, उसमें ही। अच्छा सुन, पापा बता रहे थे कि तूने उन्हें कुछ बताया नहीं, तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या दीदी, पापा की बात छोड़ दो आप, उनका बस चले ना, मुझे जबरदस्ती यहाँ अजमेर में ही किसी दुकान पे बिठा देंगे। कुछ करो तो भी खुश नहीं, कुछ ना करो तो भी खुश नहीं। हरीश मकवाना के फोन पर आखिरी कॉल इस नंबर से आया था सर, 444-879-899। उसके बाद हरीश का फोन स्विच ऑफ हो गया था। हरीश की कहानी के मुताबिक ये नंबर उस आदमी का हो सकता है जिसने उसे फोन किया था। हो सकता है सर। उसके बाद हरीश की कार चोरी हुई होगी, अभी थोड़ी देर बाद मिली होगी। अगर हरीश की कहानी पे यकीन करें तो चोरी होने और मिलने के दरमियान उन दोनों में से किसी एक ने हरीश के फोन से तुषार बनकर फोन किया होगा ओमकार सतकरी को। हेलो, मेरा नाम तुषार है ओमकार जी। मेरा पूरी पॉसिबिलिटी है कि तुषार नाम फेक नाम होगा, लेकिन इस वक्त यही तुषार हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। 99% ऐसे ही लग रहा है सर। सर उसकी लोकेशन रिपोर्ट देखिए, 5 जनवरी के दोपहर को मर्डर के टाइम, लोकेशन है मनेर नगर। मनेर नगर, यहाँ प्रतिभा सतकरी का कत्ल हुआ था। किसके नाम रजिस्टर्ड है यहाँ पर? किसी अमित गौर के नाम, अजमेर का एड्रेस है। हाँ सर। कैसे चल रहा है सब दीदी? बस ठीक ही है समझो, पापा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। बढ़िया। वैसे कुछ पता चला, कुछ प्रोग्रेस हुई पुलिस की तरफ से केस के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अच्छा चलो दीदी, मैं रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, आप ख्याल रखना अपना। ठीक है? ठीक है। जितने भी क्रिमिनल्स निकलते हैं उन सबके साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाता है, जैसे जोधपुर का रेप मर्डर और लूट का केस। अब आप ये क्या बोल रहे हैं? आप सोचिए, मैं अगर इतना बड़ा क्रिमिनल होता तो पूरे दिन 12-12 घंटे इस दुकान पर क्यों खड़ा रहता साहब? ये सिम किसको बेचा तूने? याद नहीं, लोग आते हैं सिम कार्ड ले जाते हैं साहब। तो जो सिम बेचता है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता? नो डॉक्यूमेंट्स, नथिंग? साहब लोग मजबूरी में भाग दौड़ में आते हैं साहब, अब डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो मैं कोई भी अपना सिम कार्ड निकाल के उनको दे देता हूँ साहब। साहब बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है, समाज सेवा करने की बड़ा शौक है ना तुझे, अब तेरी थोड़ी सेवा हम करेंगे। सरकारी मेहमान बना तो लॉकअप में रख, नो पेपर वर्क नो वारंट। मेरा लोकल पुलिस को फोन करो और सरकारी मेहमान बनाओ। बॉर्डर से फ्रेंडली साफ नजर आ रहा है, सस्पेक्ट्स ने सही जगह से बिना एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स के सिम कार्ड दिया और ओमकार को फोन करने के लिए टैक्सी ड्राइवर हरीश का फोन यूज किया। मेहरा, हम सस्पेक्ट्स के बहुत करीब हो गए लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं। सर एक पॉसिबिलिटी है, हम इस नंबर 444-879-899 के रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं जो उन दो चोरों में से एक ने यूज किया, शायद उसने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोन किया।
अगर वो हाथ नहीं लग रहा तो उसके दोस्त या रिश्तेदार को उठा ले, खुद ब खुद बिल से बाहर निकले। कंगालो कॉल रिकॉर्ड्स, देखते हैं कौन सा कटारा खुलता है। इस केस में पुलिस के पास मुजरिमों का टेलीफोन नंबर था जिसका इस्तेमाल इस जुर्म में किया गया था, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स की शातिर बुद्धि ने पुलिस को अचरज में डाल दिया था। लेकिन मुजरिम एक बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी पीठ पीछे उनका साया बिना बोले उनके पैरों के निशान छोड़ता जा रहा था, और ये निशान पुलिस को क्रिमिनल मकसद तक ले जाने वाले थे, जैसा कि हर जुर्म में होता है और इस केस में भी हुआ। आरती दामोद कौन है यार? सर, 2 जनवरी को जोधपुर के बाहर से जोधपुर में हमारे सस्पेक्ट ने आरती दामोद को फोन किया। ये इसका कंफर्म्ड एड्रेस है, इसका नंबर भी एक्टिव भी है। जोधपुर हाईकोर्ट में जूनियर एडवोकेट है ये आरती। ये किसका नंबर है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आरती जी, हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, 2 जनवरी को आपको जोधपुर के बाहरी इलाके से इस नंबर 4487-9899 इस नंबर से एक फोन आया था। अभिषेक, ये कॉल तूने किया था ना? हाँ, 2 जनवरी को कॉल करके तूने कहा था ना कि तू यहाँ आ रहा है इसी नंबर से। अभिषेक, तुम अजमेर में रहते हो? जी सर, हम दोनों ही अजमेर को बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। लेकिन सर, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आरती जी, 5 जनवरी को जोधपुर में कत्ल हुआ, सिर्फ कत्ल ही नहीं और लूटपाट भी हुई। तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हारा दूसरा साथी कौन था? अभिषेक, ये क्या कह रहे हैं? कुछ किया है तूने? यही था सर, इसने मेरे गर्दन पर चाकू रखा था सर, इसका एक साथीदार भी है सर। कौन था उस दिन तेरा पार्टनर? कौन था? हुआ ये? 10 मिनट पहले जोधपुर पुलिस घर आई थी, तेरे भाई शरद को पकड़ के लेके गई है। और बेटा, वो लोग कह रहे थे तेरी सास के मर्डर में तेरे भाई का हाथ है। क्या बात है? किसका फोन? कुछ नहीं पापा, मैं अभी आती हूँ। छोरे, अकेले अकेले कश मार रहे हो? सबूत इतनी आसानी से नहीं पूछते। अब ये जाएगा सीधा तेरे पापू के। प्लीज यार अभिषेक, प्लीज किसी को मत बताना यार, प्लीज। क्या नहीं बता? कि अपना होनार बालक शरद असल में एक छुपा रुस्तम है। एक बात बताओ, तेरे नाम के ना ताने बहुत सुने, अब जब ये तेरे बापू के हाथ में जाएगी ना, तुझे तकलीफ में देख के मजा बड़ा आएगा। यार अभिषेक, किसी को मत बताना यार,
देख तेरे को ताने पड़े तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सामने से तो कुछ नहीं कहना था। प्लीज किसी को मत बताना यार। चल नहीं बता। और सुट्टा है निकाल। बच्चा है क्या? इसको थोड़ा सजा के समझा? ये यूं पकड़ेंगे, अरे यहां से ऐसे, और इसको कुमार अवस्था। टीनेज की ज्वालामुखी अक्सर नशे के भवंडर में जाकर शांत होने की चेष्टा करती है, पर नशा लावा को और उबालता है। शरद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके केस में अभिषेक की संगत उसे नशीले एक्सपेरिमेंट्स की विस्फोटक राह पर ले आई, और इस राह की आखिरी मंजिल थी जुर्म का नशा, कत्ल और लूट का खुमार। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का मकसद क्या था? सिर्फ नशे की ना बुझने वाली प्यास या कुछ और? सर, शरद ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई है वो मेरा, और क्यों मारेगा वो मेरी सास को? सर, मेरा भाई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप दोनों के भाइयों से जम के पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, और यह भी पता चलेगा कि किसने करवाया। ये कत्ल कहीं आपने तो नहीं कराया प्रीति जी? दिमाग खराब मत करो। तुम्हारी ये नशे की कहानी मेरे लिए नई नहीं है, बहुत बार सुनी है मैंने। मैं जो सुनना चाहता हूं वो बताओ, तुमने अपनी बहन की सास का कत्ल क्यों किया? किसके कहने पर किया? तुम्हारी बहन के? नहीं नहीं सर, दीदी ने सामने से कुछ नहीं कहा था। फिर किसने कहा था? मैं खुद बदला लेना चाहता था सर। बदला तुम्हारी बहन की सास से? क्यों, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? उसने, सर उसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बिगाड़ कर रख दी थी। प्रीति, तुम्हारे पापा जी का खाने का डब्बा तैयार है कि नहीं? जी माँ जी, खाना तैयार है, बस डब्बा भेजना है। और ये क्या है, दूसरी बार चाय चढ़ाई है शरद के लिए, वो भी खाने के टाइम? अब अपने भाई की खातिरदारी की वजह से घर के बाकी सारे काम भुला दोगी क्या? माँ जी, मैं वो बस खाना तैयार ही था बस। प्रीति, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। मुझे बहुत बुरा लगता था जिस तरह मेरी बहन से बात की जाती थी, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाए जाते थे। 8 महीने हो गए थे दीदी की शादी को, सिर्फ 2 दिन आया था उनके साथ रहने के लिए, और उन दो दिनों में ना जाने क्या क्या सुनाया मेरी बहन को। इतनी गंदी तरह से बात क्यों करती? तुम खुश तो हो ना यार? मम्मी जी, वो कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती, वैसे बहुत प्यार करती है मुझे, सच कह रही हूँ। दीदी बहुत दुखी थी पर वो बता नहीं रही थी, अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी वो। तो इसलिए तुमने अपनी बहन की सास को मार डाला, अपने इस दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर। तुमने तो ये सब सिर्फ अपनी बहन की तकलीफों को दूर करने के लिए किया ना। 10 लाख रुपए क्यों लूटे? वो ज्वेलरी? अपने जुर्म पर अपनी बहन की तकलीफों का पर्दा मत डालो, काम नहीं आएगा। नहीं नहीं सर, मैं पर्दा नहीं डाल रहा हूँ सर। सर वो औरत बहुत बुरी औरत थी सर, बहुत ही बुरी औरत थी वो। क्या कहा उसने? बदला लिया उसने। उसका कहना है कि आपकी सास ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। बिल्कुल झूठ है। मेरी सास, उन्होंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। मैं मानती हूँ सर, वो कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी। वैसे भी मैं और मेरे पति गाजियाबाद में रहते हैं पिछले 1 साल से, साल में बस एक आधी बार उनसे मिलना होता था। शरद ऐसा क्यों कह रहा है मैं बिल्कुल नहीं जानती सर। अब पता चला मुझे क्यों तुम मम्मी जी की मौत के बाद मुझे बार बार फोन कर रहे थे। ये पता करने की कोशिश कर रहा था ना कि पुलिस को क्या पता चला अब तक। हाँ, तू मर तो कहीं जाके, क्या कर दिया तूने शरद? अपने दोस्त के साथ मिलके
जानवर से भी बदतर पेश आया है तू, और अब इस सब का जिम्मा तू मेरे सर डालने की कोशिश कर रहा है। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, एक खूनी है तू। तुझ जैसा भाई ना भगवान इस दुनिया में किसी को भी ना दे। उधर हो जाए तो अपने वाले एंगल से हटना मत, समझा? कोर्ट में भी यही बोलना कि बहन की वजह से किया है। यही एक रास्ता है, तू और मैं दोनों बच सकते हैं, समझा? लोगों को हम पे तरस आएगा, हम दोनों बच जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अपना असली मकसद किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। नहीं पापा, सरासर झूठ बोल रहा है शरद। उसने जो कुछ भी किया है सब अपने लालच में किया है, और अब इस सब का जिम्मा मेरे सर थोपने की कोशिश कर रहा है वो। पापा मुझे तो शर्म आती है उसे अपना भाई कहते हुए। पापा जी, मम्मी जी ने कभी कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। मैंने भी कभी किसी से कोई बात नहीं की, कोई शिकायत भी नहीं की मैंने। मुझे पता है। तुम दोनों ने यह जुर्म जिस मकसद के लिए भी किया, ड्रग्स के लिए, पैसे के लिए, या अपनी बहन की तकलीफों को दूर करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा उतनी ही होनी, क्योंकि तुम लोगों ने ना सिर्फ कत्ल किया है, ना सिर्फ चोरी की है, बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ रेप भी किया। नहीं नहीं सर, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सर ये सब इसने किया सर, सर मैंने झूठ बोल रहा था। पलट के बात, सर ये झूठ बोल रहा है सर, सर चोरी भी किया था, दोनों ने मिलकर साथ में किया था, अब ये झूठ बोल रहा है, यही झूठ बोल रहा है सर, सर कसम से सर मैंने कुछ नहीं किया सर ऐसा। सब अच्छा है ना? जी आंटी, वो प्रीति दीदी बता रही थी कि आपको कोई कमरा किराए पर देना है। किसे चाहिए? ये दोस्त है मेरा अभिषेक, इसे और इसके एक दोस्त को चाहिए था, तो मैंने बोला अपना घर दिखा देता हूँ, अच्छे लोग हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आंटी। अब जब तुमने कह दिया है कि अच्छे लोग हैं तो अच्छे ही होंगे ना, आओ चलकर पहले कमरा देख लो, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सर ये झूठ बोल रहा है, सर सरासर झूठ बोल रहा है, जो जो मैंने किया ना इसने भी किया। सर सर मैं किसी की भी कसम खा के कह सकता हूँ सर, सर मैंने आंटी के साथ कोई गंदा काम नहीं किया था सर, इसने किया था। इस कमरे में पिछले एक साल से दो और कॉलेज स्टूडेंट रह रहे हैं, इसमें टॉयलेट और बाथरूम साथ ही में जुड़े हुए हैं, खाना और नाश्ता तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ ही खा सकते हो। ये तो फितरत से ही झूठा है सर, अपनी बहन का बदले बदले का बहाना कर रहा है सर, इसकी बहन के साथ कुछ नहीं होता था सर, ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी भक्के जा रहा है। इतनी जल्दी फूट पड़ गई दोनों, खुद को बचाने के लिए सारा दोष एक दूसरे पे मर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इससे अदालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए बेहतर यही होगा कि सच सच बता दो कि क्या प्लानिंग थी, ये सब क्यों हुआ, कैसे हो? सर सारी प्लानिंग इस अभिषेक की थी सर, सर इसी ने मुझे आइडिया दिया कि प्रीति दीदी का बहाना बनाते, लोग तरस खाएंगे हम पर, दुनिया को लगेगा कि बहन पर अत्याचार हो रहा था इसलिए भाई ने बदला लिया, सहानुभूति मिलेगी हमें। सर ये खुद चल के आया था मेरे पास।
बहुत सारे थे। इतनी इतनी मोटी थप्पी थी, रोकड़, सोने के जेवर और शायद शायद हीरा भी था। 10 लाख तो होंगे ही आराम से। 10 लाख? अबे 10 लाख बहुत होते हैं, हाथ आ गए ना तो ऐश ही ऐश। ये जो हम चवन्नी की चोरियां करते हैं ना चरस और शराब के लिए, आगे से करनी नहीं पड़ेगी। मारते हैं बड़ा हाथ। हाँ मारते हैं। देख पैसे का पैसा और बदले का बदला। बदला? तेरी बहन? अरे मेरी बहन की पूरी जिंदगी बिगाड़ के रखती उसने। एक कप एक्स्ट्रा चाय के बना ली थी मेरे लिए, ऐसे सुनाने लगी जैसे। लेकिन वो तो एक साल पहले की बात है ना। जख्म शराब की तरह होते, जितना पुराने उतने ही गहरे होते जाते। यकीन कीजिए मेरा सर, सर मेरे मन में पैसे के लालच से ज्यादा बदले वाली बात घूम रही थी सर। झूठ सर, सर ये झूठ है सर। बदले बदले की बात ऐसे ही है। उस औरत को मार देना, उसको लूटना, ये दोनों प्लान इसी का था। दोनों का था सर। सर शुरुआत इसने की थी सर, कसम से सर। ये लो पानी। तुम लोग आराम से बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना दूँ। जेल में जाओगे ना बहुत वक्त मिलेगा, तब ये सोचना किसने तब सोचना किसने क्या किया था और क्यों किया। टैक्सी ड्राइवर हरीश मकवाना की मनगढ़ंत कहानी हकीकत साबित हुई। उसे पूरी तरह निर्दोष पाया गया और उसे पीड़ित करार दिया गया जिसे आरोपियों ने लूटा था। अभिषेक की बहन एडवोकेट आरती दामोर पूरी तरह शॉक में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भटका हुआ बदनाम भाई इस हद तक गिरेगा और एक खूनी। शरद के माता पिता को शरद से कई उम्मीदें थी पर वो अब जिंदगी भर के दर्द के साए में खो गए हैं। उनके बेटे ने ना सिर्फ एक हत्या कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बल्कि उसने अपनी बहन की जिंदगी में भी तबाही मचा दी। सुहेल और मयंक अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके घर से निकलने के चंद मिनटों बाद उनकी मकान मालकिन प्रतिभा सतकरी का कत्ल कर दिया गया था। इस केस पर सबसे ज्यादा दुख और दोषी फील कर रही है ओमकार सतकरी की बहू प्रीति सतकरी। उसके अपने भाई के कारण उसके पति और उसके ससुर को ऐसा घाव मिला था जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। पूरा सतकरी खानदान इस बात को लेकर खुदता रहेगा कि कातिल एक पहचान वाला था, घर का था। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को शरद कपाड़िया और अभिषेक दामोर के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया है। चुराई गई सारी ज्वेलरी पुलिस ने उन दोनों से बरामद कर ली है। कैश थोड़ा दोनों ने खर्च कर दिया था लेकिन बाकी का रिकवर कर लिया गया है। शरद और अभिषेक को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 394 के तहत लूट के लिए बुक किया गया है। साथ ही अभिषेक पर आईपीसी की धारा 376 के तहत पैसा, नशा, आवारागर्दी की लत और एक इजी लाइफ की आदत ने दोनों जवान लड़कों को अपनी जहरीली गिरफ्त में लपेट लिया था। उनके इस विकृत कांड ने पीछे छोड़ा है बिखरे हुए परिवारों को जो दर्द और शर्म के घूंट पी पी कर घुट घुट कर जिएंगे। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक, उसके बाद शुरू होगी अफरा तफरी दोनों लड़कों को बचाने की, उनकी सजा कम करवाने की। आखिरकार खून खून होता है। हर कोई अपने क्रिमिनल बच्चों को, भाइयों को भटका हुआ या हालात के पीड़ित मानना पसंद करता है। अदालत में दलीलें दी जाएंगी उनकी नाजुक उम्र को लेकर, वादे किए जाएंगे,
पश्चाताप के, हृदय परिवर्तन के, अफसोस के, और आखिरकार इन बेरहम कातिलों के माता पिता कानून से उनके प्राणों के लिए रहम मांगेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर केसेस में जहां टीनेजर्स और युवा भटक जाते हैं, उन्हें सामान्य जिंदगी में वापस लाना, सही रास्ते पर लाना, परिवार, समाज और प्रशासन, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। लेकिन हम इस पहाड़ को बीच चढ़ाव पर नहीं छोड़ सकते, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इंसानी जिंदगी और मानवता दोनों के अस्तित्व की बात है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।